हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने प्रेगनेंसी प्लान की और आपके प्रेगनेंसी टेस्ट अब पॉजिटिव आ गया है तो बहुत ही खुशखबरी है। आप बहुत खुश होंगे, लेकिन साथ में चिंता भी दिमाग में आ रही होगी कि अब मुझे क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, क्या मैं ऑफिस जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, या मुझे घर का कितना काम करना चाहिए। तो ये सारे सवालों के जवाब लेकर मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम अपने सेफ्टी कैसे रखें, क्या क्या बातों का हम ध्यान रखें। यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो डेफिनेटली आपको बहुत भारी काम बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप को थोड़ी सी तवज्जो देनी है। घर के काम सब होते रहेंगे, लेकिन आपको अपने रेस्ट का टाइम भी निकालना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा, हमारे खाने पीने का ध्यान। जनरली महिलाएं अपने खाने पीने के लिए बहुत लापरवाह होती हैं, टाइम पर नहीं खाती हैं। उनके लिए बाकी सबके ध्यान रखना, बाकी घर के काम करना बहुत प्रायोरिटी पे होता है, तो उन सबको प्रायोरिटी पे हटाकर आप अपने आप को प्रायोरिटी पर रख लीजिए और अपना खाना पीना बिल्कुल टाइम टू टाइम कीजिए। यानी कि सुबह आपको खाली पेट नहीं रहना है, खाली पेट सुबह उठते ही आपको कुछ बिस्किट, चाय, टोस्ट साथ में ज़रूर लेने हैं। उसके बाद में आपको टाइम पे नाश्ता करना है, फ्रूट्स भी लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, और हर 2-3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाना है। अब लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, तो आप लिक्विड डाइट ऐड कर सकती हैं, जैसे कि शेक्स हैं, जूस हैं, सूप है, दाल का पानी है, ये सारी चीज़ें भी आप ऐड ऑन कर सकती हैं। इसके साथ यदि आप ऑफिस जाती हैं तो आप ऑफिस में भागदौड़ नहीं मचाएंगी, आप रेस्ट करेंगी, बैठेंगी और तसल्ली से सारा काम करेंगी। चिंता और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि अबॉर्शन का बहुत बड़ा कारण होते हैं। और आप कितनी भी बिजी हो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना ना भूलिए, क्योंकि डॉक्टर से जब तक आप अपॉइंटमेंट लेकर अपना चेकअप नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवानी है, कौन सी मेडिसिन चालू करनी है, और कौन कौन सी आप टाइम पे आपको कैसे आपका शेड्यूल लिंक करनी है, कैसे आपको अपनी शेड्यूलिंग करनी है। तो ये सारा जो गाइडेंस है वो आपका गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको दे पाएगी। तो ऑफिस जा सकती हैं, लेकिन तसल्ली के साथ जाइए, ऑफिस में स्ट्रेस नहीं लेना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, घर में रहती हैं तो रेस्ट कीजिए, टाइम पे खाना खाइए, ताकि आप और आप अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रख सकें।